नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दिनांक 29/6/2023 को आजाद समाज पार्टी अलीगढ़ ने थाना सिविल लाइन के घंटाघर पार्क से कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन निकालकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन ACM सेकंड सौंपा। तो वहीं मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश मौर्य ने कहा कि चंद्रशेखर भाई पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। यह हमला चंद्रशेखर पर ही नहीं बल्कि दलित समाज के अन्याय, अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज पर सुनियोजित हमला है। घटना के 14 घंटे बीतने के बाद भी हमलावरों का न पकड़ा जाना एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है। अगर जल्द ही हमलावरों को नहीं पकड़ा जाता है तो समाज में फैल रहा असंतोष सड़कों पर दिखेगा। सरकार की दलितों के प्रति हीनभावना के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ZPlus सुरक्षा प्रदान की जाए कहा है। भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल, पत्रकार रंजीत बघेल। आपका किस संदर्भ में प्रोटेस्ट है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ के ऊपर जो हमलावरों ने हमला किया, इससे हमारे युवा, हमारी पार्टी के सदस्य, पदाधिकारी सब बहुत आहत हैं, दुखी हैं। तो हम प्रशासन से, हम इनसे मांग करते हैं कि जो भी हमलावर हैं इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। अगर आपकी मांगे पूरी हुई तो आप आगे कदम क्या होगा, क्या रणनीति होगी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, उच्च पदाधिकारियों को जो भी निर्देश होगा हम उस निर्देश पे हम पक्के खड़े उतरेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी जान से खेलना पड़े, वो भी हम करने को। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि ये घटना बनाई गई है और ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है 2024 का, इसलिए चंद्रशेखर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, ये लोगों का कहना आ रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है अपनी विपक्ष करना, लेकिन इस समय जिस हिसाब से जो गोली लगी है, क्या क्यों एकदम, अगर गोली एक आध सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाती तो क्या से क्या घटना हो सकती थी? क्या मारने वाले कि ये जो विपक्षी की जो नीति है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ये दूसरी घटना हो गई चंद्रशेखर के साथ, क्यों बार-बार घटना क्यों हो रही है? जनवरी में भी हुई थी, क्योंकि भाई संघर्ष कर रहे हैं। आप जानते हैं जो घर में बैठा रहता है उसके ऊपर कभी घटना होती है, जो अपने पलंग पर सो रहे हैं, लेकिन जो बाहर निकलेगा। आजाद समाज पार्टी काशीराम अलीगढ़ द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है तथा हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन ऐसा शीघ्र आवश्यक कार्रवाई में पहुंचाया जाएगा। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी चीफ के ऊपर जो हमलावरों ने हमला किया, इससे हमारे युवा, हमारी पार्टी के सदस्य, पदाधिकारी सब बहुत आहत हैं, दुखी हैं। तो हम प्रशासन से, हम इनसे मांग करते हैं कि जो भी हमलावर हैं इन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। अगर इस तरह की, अगर आपकी मांगे पूरी हुई तो आगे कदम क्या होगा, क्या रणनीति रहेगी? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, उच्च पदाधिकारियों को जो भी निर्देश होगा हम उस निर्देश पे हम पक्के खड़े उतरेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, अपनी जान से खेलना पड़े, वो भी हम करने को। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि ये घटना बनाई गई है और ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है 2024 का, इसलिए चंद्रशेखर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, ये लोगों का कहना आ रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है अपनी विपक्ष करना, लेकिन इस समय जिस हिसाब से जो गोली लगी है, क्या क्यों एकदम, अगर गोली एक आध सेंटीमीटर भी इधर उधर हो जाती तो क्या से क्या घटना हो सकती थी? क्या मारने वाले कि ये जो विपक्ष की जो नीति है ये बहुत ही निंदनीय है। अब मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। ये दूसरी घटना हो गई चंद्रशेखर के साथ, हाँ, एक जनवरी में भी हुई थी, क्योंकि भाई संघर्ष कर रहे हैं। आप जानते हैं जो घर में बैठा रहता है उसके ऊपर कभी घटना होती है, जो अपने पलंग पर सो रहे हैं, लेकिन जो बाहर निकलेगा सड़कों पर जाएंगे, घटनाएं जो कुछ भी होती है उन्हीं को रोका जाता है। मैंने बताया कि अगर हमारे उच्च पदाधिकारियों को जो भी दिशा निर्देश होगा हम उसमें खड़े उतरेंगे, हमें चाहे जाम लगाना पड़े, चाहे सड़क जाम करना पड़े, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, जो भाई का निर्देश होगा, उच्च पदाधिकारियों का निर्देश होगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। पूर्व मंत्री जो है बसपा के जो रहे, जो बीमार भी शामिल हो गए, चौधरी महेंद्र सिंह, आज नदारद है, क्या कारण? नहीं, नदारद नहीं है, वो अपने बहुत ही कुछ जरूरी काम से लखनऊ गए हुए हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन है, वो नदारद। मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और मैं ये जो भाई के ऊपर जो हमला किया है ये निंदनीय है। एक हमारे बहुजन के नेता निकल के आए हैं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो बहुजनों की पूरी तरह से सेवा कर रहे हैं, हर क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और वो बहुजनों की रोड़ों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं भी पूरे देश में कोई क्राइम होता है बहन बेटी के साथ,
दलितों के साथ, वो वहीं पर जाते हैं। और यही बात जो इस सरकार को खल नहीं रही, और इसीलिए हमारे बड़े भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर हमला कराया गया है, और उनको जानबूझ के लोग उनको ख़त्म करना चाहते हैं, जिससे कि वो बहुजनों की बात को आगे न बढ़ाएं। ये प्रोटेस्ट आपका कहां से कहां तक हुआ है, कहां से शुरुआत की थी इसने आपने, ये आंदोलन जो कहां से चले थे यहां तक? ये हम बाबा साहब पार्क घंटाघर से चले थे, और अभी हम देख रहे हैं कि भाई को जेट चेरी की सुरक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। यह सरकार देती है तो ठीक है, नहीं हम रोड़ों पे आंदोलन करेंगे। हम बड़े भाई के आदेश का इंतजार में हैं, जो बड़े भाई का आदेश होगा वही हम रोड़ों पे करेंगे। हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे पूरे जिले के कार्यकर्ता सभी इस बात से बहुत नाराज हैं जो बड़े भाई पे जो हमला हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। पहले मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ, फिर मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, अभी मुझे प्रदेश कोर कमेटी का सदस्य बनाया गया है और प्रदेश सचिव बनाया गया है। चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और जो हमलावर है गिरफ्तार नहीं किया, फिर क्या करेगी भीम आर्मी? फिर हम भीम आर्मी रोडों पे आएगी और भीम आर्मी के लोगों ने यह प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया है, एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम दिया है, किस तरीके की मांग की है इन्होंने? मांग की है आजाद समाज पार्टी काशीराम अलीगढ़ द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में जो भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है, तथा हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए ये महामहिम